कैन आई स्टार्ट नाउ? या बेबी। ओके। अरे ओहो, अरे आप बोले। एक हमारा भी बनता है ना, एक थोड़ा। हाँ, okay. बोले बोले। आप फाइनल ऑडिशन में उन्हें बुलाइए जिनकी हो चीते की चाल। बास की नजर। और ऐसा सुपर मूव जो देखकर हम कभी संदेह नहीं कर सकते। अब तक का ऑडिशन का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस। संदेह नहीं करते। आइए बच्चा, रेडी? कम ऑन, वी आर ऑल्सो रेडी। कम ऑन, कम ऑन। इश्क है एक तूफा, तूफा, तूफा। इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। इश्क में स्वैग तो कमाल का है, लेकिन बेटा देखो तुम हिप हॉप करते हो ना, हिप हॉप के जितने बच्चे हैं ज्यादातर उनके अंदर स्वैग होता है, स्टाइल होता है, एथलेटिक नहीं होते हैं। मतलब फ्लिप वगैरह इतने क्लीन नहीं करते जितना आपने किया है। थैंक यू सर। सुपर, मेरे लिए तो आप हो सुपर 12 में। थैंक यू। आप हो तो तेजस, आपका जितना नाम सुना था आपके बारे में, आप तो बेटा खड़े उतरे हो, आप तो चैंपियन हो यार, यू आर बॉर्न चैंपियन। हेयर स्टाइल बदल दिया। अच्छा एक बात पूछू क्या? हाँ। तो मैम ने लीवर दिया नहीं है तो अपने को मालूम नहीं है कि सुपर 12 में पहुंचेंगे कि नहीं। हाँ। है ना, लेकिन अगर पहुंच गए टक्कर का सुपर गुरु चाहिए, एक कोई तो चाहिए ना, फिर टक्कर का सुपर गुरु भी चाहिए ना, टक्कर का कंटेस्टेंट आता है, सुपर डांसर आता है, कौन चाहिए बताओ बताओ, मैं चूज करूँ क्या? नहीं देखो मैं ही करता हूँ। और अरे तुषार भैया, तुषार भैया, तुषार, तुषार भैया। तुषार भैया जरा नीचे आना। तुषार भैया कुछ करके दिखाओ यार, कैसे पता चलेगा? रेडी? हाँ। दे दो यार मैं।
तेजस बधाई हो, आप है सुपर 12 के सेकंड सिलेक्टेड कंटेस्टेंट। तेजस किसके साथ आए आज? मम्मी और पापा कहाँ हैं? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मेहनती है आपका बच्चा? बहुत मेहनती है। आइए स्टेज पर आइए। क्या हुआ? अब मैं तेजस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्लीज बताइए। माइक थोड़ा ऊपर ले लीजिए। तेजस हमारे फैमिली का बैकबोन है, क्योंकि वो फैमिली को हमारे सपोर्ट करता है। वो हमसे दूर भी बहुत रहता है, क्योंकि जहाँ उसका क्लास है वो बहुत दूर है, तो हम आ जा नहीं सकते, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत है। वो दिवाली में भी घर पे नहीं था। अभी वो जब कंपटीशन करता था तब उसके पापा उसके साथ जाते थे, तो उनका काम भी छूट गया था, फिर वो घर पे थे 1.5 साल। लेकिन तेजस हमेशा बोलता था, पापा आप टेंशन मत लो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और हमेशा सपोर्ट कर रहा है। और अपनी स्कूल की फीस भी वो 2 साल से खुद ही मैनेज कर रहा है, और अपने भाई की भी। मैम आपको बता नहीं सकती कि वो इतना छोटा होके इतनी सारी बातें करता हमसे कि मम्मी पापा आप टेंशन मत लो, जो भी कर्जा है जो भी लोन से वो मैं चुकाऊंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, कॉम्पिटिशन्स करूंगा बहुत सारे, और मैं आपका सुपर हीरो बन के दिखाऊंगा। आपस में बातें, हम परेशान है कि बच्चा खुद अपनी फीस देता है। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि दुख होना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। हम बेटा दुनियादारी की ना टेंशन मत लो बेटा, अभी ठीक है, तुम अपने डांस पे ध्यान दो, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और बाकी मम्मी पापा संभालेंगे। इस बच्चे में बहुत टैलेंट है, लेकिन उस वो टैलेंट जो है, मुझे लगता है कभी कभी प्रेशर में ना वो टैलेंट हर्ट हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा यहाँ पे प्रेशर में नाचे। खुल के नाचे, वो मन से नाचे, इसलिए नहीं नाचे क्योंकि उस पे जिम्मेदारियां हैं। तेजस स्कूल जाना अच्छा लगता है आपको? हाँ। हाँ? तो आप अपने डांस पे ध्यान रखिए, फीस के बारे में मत सोचिए, आज से फीस मैं संभालूंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत मेहनत की थी, अब मैं सुपर 12 में चले गया हूँ, तो अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और जीत के ही आऊंगा।